हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को हमें निकालना रहता है, तो उसमें दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंस की होती हैं, एक टाइम और दूसरा है स्पेस। आज हम लोग बात कर उसमें हमने लास्ट में ये बताया था कि एनालिसिस जो है, किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस, वो जनरली दो केसेस के लिए की जाती है और समटाइम्स तीसरे केस के लिए भी की जाती है। तो लास्ट लेक्चर में जो जहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने ये कहा था कि एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था आपको कि एनालिसिस जो है जनरली दो केस के लिए की जाती है। एक होता है आपका वर्स्ट केस एनालिसिस, सेकंड होता है बेस्ट केस एनालिसिस, सॉरी सेकंड होता है आपका एवरेज केस एनालिसिस और समटाइम्स कुछ केसेस में ये थर्ड वाला भी बेस्ट केस एनालिसिस भी किया जाता है, बेस्ट केस एनालिसिस। लेकिन ये जो एनालिसिस है, ये रेयरली की जाती है इन रेयर केसेस, ठीक है। अदरवाइज जनरली किसी भी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है, वो वर्स्ट केस एनालिसिस करके और एवरेज केस एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि वर्स्ट केस एनालिसिस में क्या होता है और एवरेज केस में क्या होता है। तो देखिए, एनालिसिस ऑफ द एवरेज केस अज्यूम्स ए सर्टेन प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इनपुट डाटा। मतलब एवरेज केस एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कोई प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम करते हैं इनपुट डाटा के लिए। वन सच अजम्पशन माइट बी दैट ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ एन इनपुट डाटा सेट आर इक्वली लाइकली। तो एक हम ये भी मान सकते हैं कि किसी भी इनपुट डाटा सेट में जितने भी परम्यूटेशन हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं परम्यूटेशन, ठीक है, वो उनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक। द एवरेज केस ऑल्सो यूजेस द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। सपोज दैट नंबर, मान लीजिए हमने कहा कि एवरेज केस की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए हमने कहा N1, N2, N3, ऐसे ही हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और इनके अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो करस्पॉन्डिंगली हम मान लें P1 है, P2 है, P3 है एंड सो ऑन अप टू PK है। जैसे N1 के होने की प्रोबेबिलिटी P1 है, N2 के होने की प्रोबेबिलिटी P2 है एंड सो ऑन, ठीक। देन द एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू E इज गिवन बाई, तो इसमें हम एक्सपेक्टेशन या अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, तो वो कैसे निकल के आएगी? वो सिंपली निकल के आएगी कि आप क्या कीजिए, N1 इंटू उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर N2 उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सो ऑन, सिमिलरली NK को PK से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। तो ये हमने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि एवरेज केस एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग। अब इसको और बेटर ढंग से आपको एक एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल समझिए, उससे आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा कि एवरेज केस एनालिसिस जो है कैसे किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, ठीक। अब मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया से, ठीक, इस एग्जाम्पल में है क्या, ये एग्जाम्पल है लीनियर सर्च का, ठीक है। लीनियर सर्च क्या होता है इसमें कि सपोज ए लीनियर एरे डाटा कंटेन्स एन एलिमेंट्स, मतलब इसमें एक लीनियर एरे है हमारे पास जिसका नाम क्या है, डाटा, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक। एंड सपोज ए स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवेन, और कोई आपको आइटम वेरिएबल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक। वी वॉन्ट आइदर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आइटम इन द एरे डाटा
or to send some message such as LOC equal to 0 to indicate that item does not appear in data. मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि कोई आपके पास सपोज कीजिए लीनियर एरे दी हुई है डेटा के नाम से, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे ही n एलिमेंट्स है, डेटा 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, अप टू n एलिमेंट्स तक ये हो गया। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू मान लीजिए, हमने कहा फॉर एग्जांपल आइटम जो है और ये जो है, मान लीजिए इसके अंदर कोई नंबर स्टोर है, हमने कहा 17 है, 2 है, 45 ऐसे ही हमने एंट्री कर रहा है, ठीक है, से 4 पे हमने कहा साहब 80 है एंड सो ऑन, मान लीजिए यहाँ 56 है लास्ट में, ठीक। अब आइटम में हमने मान लीजिए दिया कि 45, ठीक, तो हमें इस डाटा में ये फाइंड आउट करना है कि 45 की लोकेशन, मतलब हमें बता दे कि वो डाटा 3 पे 45 है, समझ गया प्रॉब्लम को। और अगर मान लीजिए पूरा सर्च कर लिया और वो डाटा नहीं है, मान लीजिए हमने कहा आइटम में हमें सर्च करना है से 9, अब 9 तो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करे, यानी एलओसी में तो 3 दे दे इसके लिए 45 के लिए, और अगर ये आइटम वाला एलिमेंट इस एरे में नहीं है तो क्या करे, वो एलओसी में हमको 0 दे दे। ये प्रॉब्लम है, इसकी हमको एल्गोरिथम लिखनी है, ठीक। अब क्या होगा कि द लीनियर सर्च एल्गोरिथम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई कंपेयरिंग आइटम वन बाई वन विद ईच एलिमेंट इन डाटा, मतलब आइटम को कंपेयर करेगा डाटा 1 से, फिर आइटम को डाटा 2 से, फिर आइटम को डाटा 3 से, ऐसे, दैट इज वी कंपेयर आइटम विद डाटा 1, डाटा 2 एंड सो ऑन अंटिल वी फाइंड एलओसी सच दैट आइटम इक्वल टू डाटा एलओसी, ठीक। अब इस चीज की जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब आप इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे तो देखिए इसकी एल्गोरिथम आप कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी आपको एल्गोरिथम लिखना हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो सपोज कीजिए हम लिखते हैं, पहले हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे एल्गोरिथम और उसके बाद हम क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह बना देते हैं ताकि हमारे पास लिखने की जगह रहे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम और कुछ भी उसका रैंडम नंबर डाल दीजिए, ठीक है, एक तरीका, तो मान लीजिए हमने एल्गोरिथम लिख दिया से 2.3, मतलब चैप्टर 2 की थर्ड एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम में नंबर इसलिए आइडेंटिफाइंग नंबर एक तरह से ही हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ हम डिक्लेरेशन लिखेंगे कि एल्गोरिथम क्या कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ हमने लिखा लीनियर सर्च, ठीक। अब यहाँ पे हमने पूरा ऑब्जेक्टिव लिख दिया एल्गोरिथम का कि ए लीनियर एरे, ठीक है, लीनियर एरे का नाम क्या है, डाटा, ठीक, विद एन एलिमेंट्स एंड ए स्पेसिफिक एंड ए स्पेसिफिक आइटम, ये हमने आइटम के नाम से वेरिएबल लिया, ठीक, ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवेन, एक हमारे पास एरे दी हुई है और एक आइटम दिया हुआ है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है या एल्गोरिथम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन एलओसी ऑफ आइटम, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लाइन खींच दे रहे हैं, नहीं तो ये मान लीजिए इसमें ये पूरा हम यहाँ से ऐसे कर दीजिए ताकि इसमें मिक्स ना हो, जो पीछे समझा दिया आपको उसको छोड़ दीजिए ये, ठीक। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, फाइंड्स द लोकेशन ऑफ एलओसी ऑफ आइटम इन द एरे डाटा और सेट्स, हमें उस आइटम की लोकेशन पता करनी कहाँ कौन से एलिमेंट में है, और अगर नहीं है तो, अगर
वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है, वो डाटा वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है एरे में, तो फिर एलओसी को जीरो कर देना है, ये काम करना है एल्गोरिथम को। ठीक, अब इसको हम लिखना, जब एल्गोरिथम लिखना शुरू करेंगे तो चाहे आप स्टेप वन स्टेप टू ऐसे लिखिए, चाहे सीधा 1 2 3 लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिखा 1। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम इनिशलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा आपको समझाने के लिए ये इनिशलाइज, ठीक है। क्या करेंगे, सॉरी, सेट के इक्वल टू 1, के एक हम इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, तो सेट के इज इक्वल टू 1 एंड एलओसी इक्वल टू 0, ये कर दिया हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। अब स्टेप टू में हमने क्या लिखा कि रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल एलओसी इक्वल टू 0 एंड के इज लेस देन एन, यानी हर एक एलिमेंट के लिए। तो हमने यहां लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, कब तक करना है, जब तक कि व्हाइल एलओसी जब तक 0 है और के जब तक छोटा है एन से, बराबर है, यानी पूरे हमको एरे को सर्च करना है। अब करना क्या है, स्टेप 3 में आप आ जाइए। स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कि जो आइटम है, ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या चेक करेंगे कि डाटा के जो है, के इक्वल टू 0 से हम शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले एलिमेंट से आगे तक डाटा, और यहां पे हम लिखेंगे के, इज इक्वल टू आइटम, यानी जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं अगर डाटा के उसके ही बराबर है तो काम हो गया। तब आप यहाँ लिख दीजिए देन सेट एलओसी इक्वल टू के, ठीक है, और वो एलिमेंट हमको मिल गया, और ठीक है तो के में डाल दीजिए, के की वैल्यू एलओसी में डाल दीजिए, और नहीं तो फिर फोर्थ स्टेप में आ जाइए, फिर के को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यानी के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के प्लस 1। ठीक है, तो ये एक तरह से कौन सा स्टेप हो गया, ये एक तरफ से आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं इंक्रीमेंट काउंटर, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। तो जब तक ये वैल्यू नहीं मिलती है तब तक ये के इक्वल टू 0 से शुरू होगा, के इक्वल टू 1 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, एन तक, पूरे एरे को सर्च करेगा। और जैसे ही डाटा के जो है आइटम के बराबर मिल जाएगा तो एलओसी में हम के की वैल्यू डाल देंगे। ठीक, अब ये जो आपका, ये जो दोनों स्टेप चल रहे थे स्टेप टू से, यहाँ पे इस लूप का एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड ऑफ स्टेप टू लूप, स्टेप टू में जो हमने लूप चलाया था उसका यहाँ एंड हो गया। देखिए स्टेप टू में हमने कहा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, यानी ये जो लूप चल रहा था ये स्टेप टू से जो हमने दिया था, यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया। अब 5 में आप क्या लिखेंगे, 5 में आपको ये चेक करना है कि भाई वो आइटम मिला कि नहीं। तो मतलब स्टेप नंबर 5 में आप ये लिखेंगे कि से हम यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब आइटम मिल गया कि नहीं, ये तो समझने के लिए है। अब हमने कहा इफ एलओसी इक्वल टू 0, अगर एलओसी में 0 ही रहा तो क्या हुआ, देन सिंपली हम लिख देंगे राइट, क्या लिखना है, आइटम इज नॉट इन द एरे, आइटम इज नॉट इन द एरे डाटा, जो डाटा नाम की हमारी एरे है उसमें ये आइटम वैल्यू नहीं है। ठीक, एल्स अगर एलओसी 0 नहीं है तो इसका मतलब आइटम मिल गया, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे राइट एलओसी इज द लोकेशन ऑफ आइटम, ये हम लिख दिया एलओसी इज द लोकेशन ऑफ आइटम। ठीक, और फिर यहाँ पे हमारा ये हमने जितने ये ऐसे ब्रैकेट्स में हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट,
ये हम केवल आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको आप चाहे फिर अपने फेयर वर्क में या चाहे एल्गोरिथम जब पूछी जाए तो चाहे तो लिखिए चाहे ना लिखिए, ब्रैक ये जो हम स्टेटमेंट देते हैं ये आपको समझने के लिए देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और बस ये काम हो गया। छठे स्टेप पे हमने लिख दिया एग्जिट, ये एल्गोरिथम बन गई पर्टिकुलरली उस डाटा को ढूंढने के लिए। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गया कि एल्गोरिथम हमने भी डेवलप की है, ठीक है, हालांकि इसको जो है अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे, तो ऑलरेडी ये लेक्चर जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप ठीक है ये एल्गोरिथम आपको लिखना आ गया है, इस एल्गोरिथम को ऐसे ही होल्ड कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।